आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हरियाणा के अंबाला कैंट में एक महिला लेफ्टिनेंट भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर पति की मारपीट से इस कदर टूट गई कि उसने जान देना मुनासिब समझा। सोमवार को उन्हें ससुराल में ही फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रीतिका के पिता और भाई ने उसके पति पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रेजिमेंट चौक की इंचार्ज कुशल पाल ने बताया कि मृतिका की पहचान लेफ्टिनेंट साक्षी के रूप में हुई है। उसके पति का नाम नवनीत है। दिल्ली निवासी साक्षी के पिता ने बताया कि साक्षी अक्सर उसे नवनीत द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात बताती है। दिसंबर 2020 में नवनीत ने साक्षी के साथ मारपीट की थी, लेकिन तब मामला सुलझ गया था। बीती रात भी साक्षी का फोन आया और उसने बताया कि नवनीत ने फिर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद फोन आया तो पता चला कि साक्षी की मौत हो गई है, वह फंदे पर झूलती मिली। इस बात का पता लगते ही साक्षी के पिता और भाई मौके पर पहुंचे। उन्होंने नवनीत पर साक्षी की हत्या का आरोप लगाया है। हरियाणा बिजली वितरण निगम की भेजे गए बिजली के बिल उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दे रहे हैं। निगम की तरफ से बगैर रीडिंग लिए अवरेज आधार पर दिए गए बिलों में न केवल त्रुटियां अपितु अंधेरगर्दी की भी हद पार करती है। शहर के सेक्टर 5 में एक दुकानदार को निगम ने 64 लाख रुपए का बिल भेजा है। इसके बाद दोबारा बिल चेक किया तो वही बिल सुधारने की बजाय 65 लाख कर दिया गया। पीड़ित उपभोक्ता परेशान है, लेकिन निगम की तरफ से कोई गलती सुधारी नहीं जा रही। शहर के सेक्टर 5 के दुकानदार संदीप कुमार के समय होश उड़ गए जब उन्हें अपना बिजली का बिल देखा। सोनीपत मुरथल रोड पर कच्चे रास्ते पर बीती रात एक युवक की हमलावरों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। युवक के सिर पर शरीर में करीब 16 चोट के निशान हैं। अंदेशा है कि युवक को जहर पिलाया गया है। सुबह पुलिस मामले के लावारिस लाश समझ कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, लेकिन मौके पर कोई भी सबूत नहीं मिला। पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मृतक की देर शाम तक पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शनाख्त के लिए आसपास एरिया में लोगों को मृतक की फोटो दिखाई। मुरथल सदर थाना व अन्य जगह पर इस बारे में मैसेज भेजा। सेक्टर 27 थाना पुलिस को सुबह सूचना मिली कि एक युवक जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, उसका शव मुरथल रोड में 15 फीट अंदर कच्चे रास्ते पर मिला है। वहां पर एक क्रेशर भी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम किया तो मृतक के सिर व पिछले भाग में चोट के निशान मिले। बताया जा रहा है कि चोटों के कारण युवक की मौत हुई है। प्रदेश में गठबंधन सरकार के नेताओं को रोज किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में 5 जिलों में सोमवार को किसानों ने भाजपा जजपा नेता के काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। इसके चलते अंबाला में ग्रीवास कमेटी की बैठक को टालना पड़ा। यहां कांग्रेस के भारी विरोध के चलते शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर भी नहीं पहुंच पाए। सिरसा में CDLU में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण करने एवं दुष्यंत के खिलाफ 5 घंटे नाराबाजी होती रही। सिरसा में एक ही गाँव में मुख्यमंत्री की फोटो पर कालिक पोत दी गयी। हरियाणा में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रदेश में 407 आयुष औषधालय में बैलेंस है, जिसका उद्घाटन कल योग दिवस के अवसर पर किया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 19।